हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुस्कान और आज का वीडियो है चाय पे पेस्ट। अगर आपको भी डर लग रहा है कि कोरोना ना हो जाए, कहीं कुछ इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, ऐसा कुछ मिल जाए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत किफ़ायती होने वाला है। बिकॉज़ मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ ऐसी चाय जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाएगी और आपको कोई भी वायरस से डिफेंड करने में मदद करेगी। क्योंकि इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सारे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं और वायरस को डिफेंड करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इसके फटाफट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और देख लेते हैं इसे बनाना कैसे। अब हम चाय के लिए इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। हमें इसके लिए चाहिए 2 लौंग, 1 इलायची, 4 काली मिर्च, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, अदरक, थोड़ी तुलसी और गुड़ अपने टेस्ट के अनुसार। चाय मसाले के लिए हम दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और इलायची को पीस लेंगे। हमने सारे सूखे मसाले पीस लिए हैं और ये चाय मसाला रेडी हो गया है। अब हम चाय बनाएंगे। हम लेंगे आधा कप पानी, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चाय पत्ती। अब हम इसे उबालेंगे और इसमें अदरक और तुलसी ऐड करेंगे। हमने अदरक और तुलसी दोनों ऐड कर दिए इसमें। अब हम चाय मसाला ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। ये हमने चाय मसाला ऐड कर दिया। अब हम 2 कप दूध ऐड करेंगे। अब चाय उबलना स्टार्ट हो गई है। अब हम थोड़ी देर में इसमें गुड़ डाल देंगे। अगर हम गुड़ पहले से ही डाल देंगे तो हो सकता है कि हमारी चाय फट जाए, इसलिए हमें दूध उबलने के बाद ही गुड़ डालना है। ये चाय उबल चुकी है, अब हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐड कर दिया है। अब हम चाय को फिर से उकारेंगे जब तक गुड़ पूरी तरह से गल नहीं जाता। कोरोना से लड़ने में और मदद करने के लिए हम इसमें पिंच ऑफ हल्दी ऐड करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया। और हमारी चाय रेडी हो चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे। और ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है। इस चाय में हमने जो भी इंग्रेडिएंट लिए हैं, सारे आप खुद ही देख लीजिए, सारे ही बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और ये कहीं ना कहीं काढ़ा बनाने में भी यूज़ होता है। इसको हमने एक चाय के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा है। अब इसमें जो गुड़ है वो ऑप्शनल है। अगर आप मीठी चाय नहीं पीते हैं तो आप गुड़ को बिल्कुल हटा सकते हैं, चाय में ना डालें। तो इससे काढ़ा भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ दूध मत डालिए, चाय पत्ती मत डालिए, सिर्फ पानी में इन सारी चीज़ों को उबाल लीजिए, ये काढ़ा बन जाएगा। तो अगर आपको काढ़ा ना पसंद आए तो आप इसमें दूध और गुड़ भी मिला दीजिए, तो ये आपको टेस्टी भी लगेगी और हेल्दी तो है ही। तो आप भी इस चाय को ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी चाय कैसी बनी। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करना और उसको एक लाइक ज़रूर दे देना, तो मुझे पता चल जाएगा आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।